हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि 23 फरवरी को हमारा जेईई मेंस स्टार्ट होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी बच्चों के लिए आज 3 बजे अन अकेडमी पर एक स्पेशल क्लास रखी है। वो स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस स्पेशल क्लास के अंदर हम जनवरी जेईई मेंस 2020 में जितने भी इनऑर्गेनिक के सवाल आए थे, चाहे वो किसी भी सिटिंग के अंदर आए हों, किसी भी डेट के अंदर आए हों, सारे पेपर्स के अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक के सवाल आए थे वो मैंने आपके लिए निकाल लिए हैं, उन सबको कंपाइल कर लिया है और उनका एक जेईई मेन 2020 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर तैयार किया है। वो पेपर आज मैं आपके साथ स्पेशल क्लास में 3 बजे डिस्कस करूंगा। आपको एज अ पेपर करना होगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ये बात हुई आज 3 बजे की। उसके बाद कल यानी कि संडे को 6 बजे मैंने आपके लिए जनवरी के बाद सितंबर अटेम्प्ट में होने वाला जेईई मेंस जो था उसमें जितनी भी सिटिंग में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी सवाल आए थे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं, आपके लिए एक पेपर तैयार कर दिया है उसका, और वो पेपर भी हम डिस्कस करेंगे और उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा और उनको एक्सप्लेन करूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको अपने 23 फरवरी से होने वाले जो भी एग्जाम हैं उनमें जेईई मेंस की तरह फील आकर के आप सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवालों को पूरे चैप्टर्स के एक साथ करेंगे, जिससे कि आपका आईक्यू लेवल चेंज होगा, बढ़ेगा और आपको पता लगेगा कि जब अलग अलग चैप्टर के सवाल रैंडमली आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है, किसमें कितना टाइम देना है, किसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपको रिवाइज हो जाएंगे। और दोस्तों आखिरी में यानी कि 21 के बाद 22 फरवरी को 6:15 पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोटिवेशन सेशन। जी हां दोस्तों, स्पेशल आपके लिए विशाल जोशी सर का मोटिवेशन 22 फरवरी को 6:15 पर। ये सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर जाएंगे तो उसमें न्यूक्लियस लाइव कोड आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपके लिए वो खुल जाएगा और आप खुलने के बाद वो क्लास देख सकते हैं। मैं इन क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। 22 फरवरी को जो आपका मोटिवेशन सेशन होगा, स्ट्रेटजी होगी, उसमें मैं क्या बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमने जितने भी स्ट्रेटजी सेशंस देखे हैं आज तक, उनमें हमने देखा है कि एग्जाम से पहले ये करना चाहिए, 1 महीने में ये करना चाहिए, 2 महीने पहले ये करना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि उन 3 घंटों में क्या करना चाहिए? उन 3 घंटों में जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको पेशेंस रखना है, किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से मैक्सिमम नंबर लाने, क्योंकि जिंदगी में वो 3 घंटे ही आपकी पूरी लाइफ बदलेंगे दोस्तों। वो 3 घंटे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए मैं 22 फरवरी को ही ये सेशन लेकर आया हूं, ताकि जो 23 फरवरी 24 फरवरी को आप एग्जाम देने जाएंगे उन बच्चों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो उस सेशन से दूर हो जाएगा, स्ट्रेटजी सारी समझ में आएगी, किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, किस तरह से एक्ट करना है, अपनी बॉडी को किस तरह से रिएक्ट कराना है, माइंड को किस तरह से रिएक्ट कराना है, फूड हैबिट्स क्या होगी, वो सब चीजें बहुत डिटेल डिस्कशन होगा उस मोटिवेशन सेशन में। तो तैयार रहिएगा, ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूं और बहुत टेक्निकली सेशंस होंगे, बहुत फायदा देंगे, इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि ये सेशन करने के बाद जब आप जेईई मेंस का एग्जाम देंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। चलिए इसी प्रॉमिस के साथ आज का वीडियो अंत करते हैं।